पिछले दो तीन साल उनसे जो टूरिज़्म आया है अच्छा खासा आया है तो फिगर जो गवर्नमेंट के पास है वो तो वही कह सकते हैं बाकी जो इससे पहले जो टूरिज़्म एक टर्माइल हुआ था एक अप एंड डाउन हुए थे पॉलिटिकली भी तो टूरिस्ट यहाँ पे आना पसंद नहीं करते थे क्योंकि एक टूरिस्ट को फ्री माहौल मिलना चाहिए जहाँ वो घूमने जाए विद द फैमिली विद द फ्रेंड्स तो अब दो तीन सालों से हमें लग रहा है कि टूरिज़्म में बढ़ावा हो रहा है और इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारी यंग यूथ हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलती है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं जो लोग वहाँ पर काम करते हैं उनका भी रोजगार रोज़गार चलता है होटल हाउस बोट लीजिए आप या टूर ऑपर जो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है कश्मीर वादी में तो उनको फ़ायदा ही पहुँचता है और ये अनएम्प्लॉयमेंट uh, भी जन जो यहाँ तक उस अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल है हम लोग जो है टूरिज्म स्टेक होल्डर जो है वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते हैं तो ओवरऑल ये अच्छी बात है अगर टूरिज़्म यहाँ पे बढ़ेगा तो बहुत अच्छी बात है तो हम बड़े मशहूर हैं मोदी जी ने कल ही कहा है शादियाँ बाहर के मुल्कों मत मत करो वो हमारे कंट्री में करो खासकर मेरी ये गुजारिश है के लोगों को हिंदुस्तान के लोगों को कश्मीर जैसी कौन सी जगह है फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर इस जैसा मौसम तो कहीं नहीं है मई से यहाँ होनी चाहे वो भी वो कर रहे हैं उसके लिए हम बड़े ज़रूरत है क्योंकि यहाँ भी मैसे आज तक नहीं होते थे मैसे होनी चाहिए वेडिंग डेस्टिनेशनस होने चाहिए और बढ़ावाने की ज़रूरत है और कल ही उन्होंने फरमाया हम और भी डेस्टिनेशनज बना रहे हैं जब तक वो बने तब तक बाकी पुरानी डेस्टिनेशन ठीक जो भी यहाँ कहीं रोड है अब हमारे कुछ मसले हैं होटल वालों के यही हैं अब वो सोनमर का ट्यूब तैयार हो रहा है ट्रेन आ रही है तरकी में हैं तरक्की में हैं हम बड़े मशहूर हैं उसके लिए शुक्रगुजार है ये जो हमारे तीस पैंतीस साल थे इसका डायरेक्टली असर सिर्फ ताजर पे पड़ा सबसे ज़्यादा असर तो सब पे पड़ा मगर ताजर पे सबसे ताजर में भी सबसे ज़्यादा होटलियर्स और कश्मीर हैंडी क्राफ्ट ये दोनों रिलेटेड है टूरिज़म के टूरिज़म था नहीं हालात ऐसी नहीं थी कि टूरिस्ट लोग आ जाते तो इसकी वजह से सबसे बड़ा डैमेज इसमें बिजनेस कम्युनिटी को हुई देखिए 2019 के बाद नो no डाउट बहुत ही अच्छा टूरिज्म रहा ये तीन साल से हम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं खासकर पिछले साल बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट फ्लो था इन उम्मीद है जैसे कि प्रधानमंत्री साहब ने कहा है कि इस साल उससे ज़्यादा होगा इसमें हमारे एलजी साहब ने भी काफ़ी पहल की यहाँ टूरिज़्म इस वक्त माशाल्लाह बहुत ही अच्छा जा रहा है और टूरिज़्म का ही पैसा जो है यहाँ पूरी इकोनॉमी को कैटर करता है यही पैसा आपके हैंडी वाले के पास पहुँचता है यही लोकल दुकानदार के पास यहाँ टूरिस्ट से जो पैसा आता है ये पूरे जे एंड के मार्केट लोकल मार्केट्स में सर्कुलेट करता है जी जी ट्वेंटी का होने से यहाँ एक जो नेगेटिव एडवाइजरी लगी हुई थी वो ख़त्म हो गई बाहर के देशों को पता चला वहाँ ऐसा कुछ नहीं है हमने खुद भी वो अटेंड की वो जी ट्वेंटी की मीटिंग उससे काफ़ी फ्लो हुआ उससे अब बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव चीज़ सामने आया है फॉरेन टूरिज्म डोमेस्टिक तो हमारे इंडिया के लोग आ ही रहे हैं लास्ट ईयर से अच्छा गेन हो रहा है मगर फॉरेन टूरिज्म लाने की और भी जरूरत है बहुत ज़्यादा जबकि डोमेस्टिक टूरिज़्म बहुत ही ज़्यादा आ रहा है मुझे लगता है काफ़ी इफेक्ट और कल जो प्रधानमंत्री इधर आए उन्होंने पर्टिकुलरली टूरिज़म की बात की और उन्होंने ये भी कहा कि मैं परिवार हूँ और मेरा परिवार कश्मीर के लोग हैं मुझे लगता है प्रधान मंत्री ने लोगों के दिल जीत लिए हैं देखिए जॉब लेटर्स भी हालांकि कम तादाद में थी मगर अगर ये कंटिन्यू रहा इससे ये आपको पता तेरह सौ फैमिलीज़ को अगर मिले इसमें और भी तेरह सौ लोग अटैच होते हैं और तेरह सौ लोग एम्प्लॉयमेंट अगर यहाँ इसी तरह जनरेट होती रही तो मुझे लगता है कश्मीर को अब बदलने में बिल्कुल देर भी नहीं लगे और सचमुच कश्मीर की इकोनॉमी बदलने लगी है अब थोड़ा सा यहाँ है लोकल मार्केट अभी डाउन है लोकल ट्रेडर्स के लिए कुछ मोदी साहब को मैं अपील करूंगा आपकी वदालत से थोड़ी हैंड होल्डिंग की ज़रूरत थोड़ी बैंक्स की प्रॉब्लम्स हैं लोगों को या टैक्स माफ़ करने की ज़रूरत है एमनेस्टी देने की जरूरत है पावर में इसमें ताकि लोकल ये जो ट्रेडर है ये पटरी पर आए लोकल ट्रेडर ने बहुत ही ज़्यादा मुसीबत पैंतीस साल में उठाए